स्कूली छात्र छात्राओं को टैलेंट निखारने को लेकर रोटरी क्लब द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। NH2 स्थित रेनबो हॉस्पिटल में आयोजित प्रतियोगिता में शहर के 9 प्रमुख स्कूलों के प्रतिभागी शामिल हुए। प्रतियोगिता के दौरान छात्र छात्राओं ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर सवालों की बेबाकी से जवाब दिए। इस दौरान रोटरी क्लब ऑफ आगरा तथा सिटी के अध्यक्ष मोतीलाल जैन और रेनबो हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आगरा जनपद के जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल में इंटर क्लासेस तक के बच्चों को इसमें क्विज में लिया गया है और ये प्रमोशन करने के लिए कि बच्चे क्विज में अपने हर फील्ड के क्वेश्चन जिनसे पूछे जा रहे हैं और उनको जो चार टीमों को हमने पहले एक राउंड किया है उसमें इस राउंड में एलिमिनेट किया है उनको, उसमें से चार टीमों को हमने सेलेक्ट किया है और चार टीमों को सेलेक्ट करके अब कई राउंड इसमें चलेंगे और जो फर्स्ट रनर फर्स्ट जो विजेत जो टीम जीतेगी उसको ट्रॉफी देंगे। आज ये रोटरी क्लब आगरा ताज सिटी के द्वारा एक इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है जो रेनबो हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में हो रहा है। इसमें 9 स्कूलों ने भाग लिया है और बहुत ही हम लोगों को सबको बहुत मज़ा आ रहा है और रेनबो ने एक बेसिकली ये जो स्टार्ट किया है ये सपोर्ट, जो भी स्कूल इस वक्त जीतेगा और जो बच्चे जीतेंगे उनको हम लोग कुछ और उत्साहित करेंगे। आपको बताते हैं रोटरी क्लब ऑफ आगरा ताज सिटी सितंबर माह को युवा माह के उपलक्ष्य में बीते 20 वर्षों से मना रहा है। युवा माह के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिता का आयोजन रेनबो हॉस्पिटल में बीते 5 वर्षों से किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 4 विजेता टीमों का चयन किया गया जिन्हें आकर्षक उपहार भेंट किए गए, साथ ही अन्य प्रतियोगिताओं को सांत्वना पुरस्कार से नवाजा गया। शंभुदल शर्मा, सी न्यूज आगरा।